जिला सलाहकार समिति डीसीसी एवं जिला स्तरीय डीएलआरसी की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैंक के भी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में किसान दुर्घटना बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बैंकर्स अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते पात्रों को दुर्घटना बीमा का लाभ उपलब्ध कराएं। सीडीओ ने कहा कि अब तक दुर्घटना बीमा के तहत दिए गए धनराशि का विवरण एक सप्ताह के भीतर सीडीओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं। इनको एक बार इशू भी किया गया था, फिर दशक के द्वारा एक्सप्लेनेशन भी किया गया था, उसके बाद भी ये नहीं। पंजाब एंड सिंध बैंक सर, ये तो अभी नेशनलाइज बैंक में अभी प्राइवेट सेक्टर के पहली दिन में ठीक है, लाके करा दिया मंडी आ गई, मंडे करा दी। बाकी लोग इतना सिंसियरली आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है कि इसमें बड़ी समस्या आ रही है कि जो आप कर रहे हो इसमें बीमा, या तो वो लोगों को बता नहीं रहे हो, या अवेयरनेस नहीं है। कई चीज़ें उन्होंने इसमें रेज की थी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? दो रुपये क्या कितना करता है? 12 रुपये करता है? नहीं, इसमें जीवन ज्योति में 330 रुपये 330 करता है, तो इसमें क्या क्यों कम है इसका, जो क्या रीच क्यों कम है? एज का बाउंडेशन है कितना है एज? 18 से 50 वर्ष तक 2 लाख का जीवन बीमा है ना, लिखा है 330 एवं वार्षिक सुरक्षा जो है 18 से 70 है, दो ये 12 रुपये के एक्सीडेंटल है सर, एक्सीडेंटल है। इसमें ये बताइए कितने लोगों को मिला इसमें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। आपने 2 रुपये मुझे दीजिए, बेटा दीजिए कि जो अभी हमारी जनप्रतिनिधि से अभी हमारी मीटिंग हुई थी जिला योजना की बैठक, उनका वैलिड क्वेश्चन था कि सीधे साहब हमें डेटा दीजिए कि किस बैंक में कितनों का बीमा हुआ, मान लो दुर्घटना अगर स्कूल किसी की डेथ होगी कितनों को ये मिला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह अभी डेटा किसी के पास, ये आज की मिनट्स में नोट करिए, मिनट्स में नोट करिए कि ये डेटा जो है एक हफ्ते में प्रोवाइड किया जाएगा सीधे ऑफिस दोनों बीमा को ये दिया लिखा हुआ डेटा में प्रसादित किया गया, प्रसादित किया गया था। मुझे ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा कि क्या 1,40,914 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत क्या पेमेंट हुई? इसके आगे एक बढ़िया, ठीक है, एक आगे बढ़ना आपने, आपको ये बताना है कितनों को पेमेंट हुई है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कई बार पता ही नहीं होता कि मेरा ये बीमा होता और वो इसका लाभ ही नहीं था, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट।